मगर फिर 1830s में इटालियन रेवोल्यूशनरी ग्यूसेप्पे मज़िनी ने इटली को एक नया देश बनाने की मुहिम छेड़ी, और इसे अचीव करने के लिए उन्होंने यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी को भी इस्टेब्लिश करा। मगर 1831 से 48 के बीच की ज़्यादातर रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग कोई भी बड़ा इम्पैक्ट लाने में नाकाम रही, जिसके बाद इटली को एक राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी ली सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड ने, और इस यूनिफिकेशन के प्रोसेस